वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे माश की दाल रेस्टोरेंट स्टाइल में, जिसे हम शाही दाल भी कहते हैं। इसके लिए हमने यहाँ एक मीडियम साइज़ की प्याज को चॉप किया है, एक मीडियम साइज़ के टमाटर को चॉप किया है, एक इंच अदरक के टुकड़े को हमने बारीक काटा है, 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट लिया है, 3 से 4 हरी मिर्चों को काटा है, 2-3 लाल मिर्चों को काटा है, हरा धनिया लिया है ये हमने गार्निश के लिए, 1 टीस्पून हमने लिया है धनिया पाउडर, आधा चम्मच लिया है हमने ये गरम मसाला, आधा चम्मच हमारे भुने हुए जीरे का पाउडर है, और ये नमक है, नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट लेंगे, और ये है मेरा सिरका। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए ये मेरी दाल है, ये मेरी 2 कप दाल है, मीडियम साइज़ का जो कप होता है वो मैंने 2 कप दाल ली है, और इसमें मैं आधा चम्मच नमक डाल रही हूँ, और 2 चम्मच करीब ये हम अपना सिरका डाल के इसको बॉईल करेंगे। इसको हमें 90% जो है बॉईल में ही इसको कुक कर लेंगे। अगर आपके पास सिरका नहीं है, आप नींबू का भी यूज़ भी कर सकते हैं। नींबू और सिरका डालने से ये ज़्यादा घुलेगी नहीं, और इसमें एक लोच सा जो आ जाता है वो नहीं आएगा। तो इसको बॉईल करेंगे। देखिए मैंने दाल को बॉईल करने के लिए रख दिया है, हम इसे बॉईल करेंगे। देखिए बॉईल करने में अगर ये झाग आपके आ रहे हैं तो आप इसको निकाल कर इसे निकाल दीजिए। देखिए अपनी दाल को हम चेक कर लेंगे। देखिए 90% हो चुकी है, इसकी फ्लेम को बंद कर दें हम। दाल में इतना ही पानी रखें कि उसमें दाल का पानी एब्जॉर्ब हो जाए। अगर थोड़ा बहुत ज़्यादा है तो आप इसको निकाल दीजिए। इसको अब मेरा थोड़ा सा पानी इसमें है, इसको मैं निकाल दूंगी छान के। देखिए यहाँ मैंने 2 कप दाल में थोड़ी सी चने की दाल भी ऐड की थी। अगर आपको नहीं पसंद है तो आप खाली माश की दाल ही ले लीजिए। यहाँ मैंने एक कढ़ाई में ऑयल गर्म करने रख दिया है। इसमें हम माश की दाल हमारी जो है बादी होती है, इसका बादीपन कम करने के लिए हम हींग का यूज़ कर रहे हैं। ये ऑप्शनल है, आपको नहीं पसंद तो ना यूज़ करें। मैंने 1/4 चम्मच हींग ली है। इसके बाद हम अपना लहसुन डालेंगे। लहसुन होने के बाद हम इसमें अपनी प्याज डाल देंगे। ज़्यादा फ्राई नहीं करनी है, हल्का सा बस फ्राई करें। इसमें अब हम अपने टमाटर डाल देंगे। ज़्यादा घोटना नहीं है टमाटर को। अब हम इसमें अपने हरी मिर्ची और लाल मिर्ची डाल देंगे। अब हम इसमें ये जो हमारे मसाले थे ये डाल देंगे। अपनी बॉइल हुई हुई जो दाल है वो डाल देंगे। अब हम इसमें अपना अदरक डालेंगे और हरा धनिया डाल देंगे। मिक्स कर लें। फ्लेम को लो कर दिए हैं हमने, उसको ढक देंगे। 10% जो हमारी दाल रह गई थी वो अभी इसमें दम में हो जाएगी। तो हमने थोड़ी देर के लिए इसे ढक दिया, फिर देखते हैं खोल के। ये 10 मिनट हो गए हैं, फ्लेम को हम बंद कर देते हैं। अब इसको डिश आउट करेंगे। देखिए अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब करिएगा। देखिए हमारी कितनी अच्छी खिली खिली दाल बनकर तैयार हुई है। बस आपको छोटी सी एक टिप याद रखनी है कि बॉयल करते में आप नींबू या आप सिरके का यूज़ करें, और इसको 90% आपको बॉयल करना है। अगर आप पूरा इसको गला लेंगे तो ये घुट जाएगी। और थोड़ा सा अदरक और थोड़ा सा गरम मसाला अब हम इसमें डाल देंगे। ये देखिए हर दाना हमारी दाल का अलग अलग दिख रहा है। देखिए हर दाना आप अलग अलग देख सकते हैं। ऐसी और वीडियो के लिए देखते रहिए और सब्सक्राइब करिए इरा कुकिंग को। थैंक यू।